सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। इस इक्वेशन को सोल्व करना है और जो वाई का वैल्यू आएगा उसको वेरीफाई करना है कि वो करेक्ट है या नहीं। इसको सोल्व करते हैं तो 2y + 5y3 = 26/3 - y तो हो जाएगा ये 2y + y, y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस है इधर, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा = 26/3 - ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -5/3। ये हो गया 3y = 3 LCM ले लिए, ऊपर कितना हो गया 3 से 3 में डिवाइड किया 1, 1 से 26 में मल्टीप्लाई किया 26 माइनस ये 3 से 3 में डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से फिर 5 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 इक्वल टू हो गया 26 - 5 = 21/3 इक्वल टू हो गया 7 3 से 21 कटेगा 7 टाइम्स इसलिए y इक्वल टू क्या हो गया 7/3 इधर 3 × y है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा तो ये हो गया 7/3। तो अब देखते हैं LHS और RHS कितना आता है y के इस वैल्यू के लिए। तो y LHS इक्वल टू क्या 2y + 5y3 इक्वल टू 2 × 7/3 + 5/3 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 14/3 + 5/3 3 LCM हो गया, 14 + 5 ऊपर में हो गया इक्वल टू 19/3 LHS इक्वल टू 19/3 आ गया। अब RHS निकालते हैं, RHS इक्वल टू 26/3 - y 26/3 - 7/3 वाई का वैल्यू रख दिए, 3 LCM ले लिए तो ऊपर में हो गया 26 - 7 कैसे हो गया 3 से 3 में डिवाइड किया तो 1 × 26 हो गया 3 से 3 डिवाइड 1 × 7 हो गया इक्वल टू 19/3 हो गया 26 - 7 = 19। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y के इस वैल्यू के लिए y इक्वल टू 7/3 LHS इक्वल टू RHS आ गया लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर आ गए इसलिए y इक्वल टू 7/3 क्या है ये करेक्ट है, इसलिए ये हो गया आपका आंसर।